सभी दर्शकों को जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, आज मैं दो मकानों का यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड जो मकान देख रहे हैं जिसमें लाइट जल रही है इस वक्त मौके पे, ये इसका प्लॉट एरिया की अगर बात करें तो 1150 स्क्वायर फीट इसका प्लॉट साइज है और टोटल कंस्ट्रक्शन 1350 स्क्वायर फीट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ है और 1200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस जो दोनों प्रॉपर्टी इसके इनके हाउस ओनर से मिलाता हूँ। आप हैं दिलीप जी और आप ही दोनों मकान के ओनर हैं। जो वीडियो व्यूअर्स हैं उनको अपने दोनों मकान के बारे में जानकारी दीजिए। सर, ये इस कैंपस में ये मकान बनाए हैं मैंने, दोनों बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में है और रोड आप देख ही रहे जी, काफ़ी वाइड रोड है। वाइड रोड है, अगर गाड़ी आके खड़ी है दूसरी गाड़ी को निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। गैस पाइपलाइन इस कॉलोनी में आ चुकी है। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि गैस पाइपलाइन दी चुकी है, गैस कनेक्शन हो रहे हैं, लोग करा रहे हैं, 2 महीने के अंदर ये गैस कनेक्शन चालू हो जाएंगे, रेडी टू यूज हो जाएंगे ये कनेक्शंस। जी जी, आइए अब मैं मकान के बारे में आपको बता देता हूँ कि मकान बने हुए हैं रोड लेवल से। अगल बगल सर लोकेलिटी काफी बढ़िया है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे लिविंग है, सारे मकान जितने दिख रहे हैं सारे लिविंग है इस कॉलोनी में। जी जी, जरूर खाली पड़ा हुआ है बीच में लेकिन लोकेलिटी अच्छी है, लिविंग अच्छी है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, मात्र 2.5 किलोमीटर जाने पर आपको मेट्रो मिलेगा। 24 आवर्स कन्वेंस है, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ आसपास अवेलेबिलिटी है। जी जी, के अंदर पार्क बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, सारी फैसिलिटी। सर ये तो मैंने यहाँ पे देखा है, काफी बढ़िया पारिवारिक माहौल मैंने इस कॉलोनी में देखा है, क्योंकि और जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं काफी अच्छी जेंट्री के लोग रह रहे हैं, बैंक एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय और इसी सेगमेंट मतलब इसी तरह के और लोग भी रह रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं काफी बढ़िया खूबसूरत मकान सर ने बनाया। सर इसकी दिशा क्या है? सर ये पश्चिम फेसिंग का है, वेस्ट फेसिंग का। अच्छा अच्छा, ये आपने बाहर की तरफ भी ये वर्क बहुत बढ़िया कराया है, इसके बारे में सर थोड़ा जानकारी दीजिए। प्लेट के लिए जगह छोड़ रखी है, लाइटिंग कर रखी है, बाउंड्री एलिवेशन है, फ्रंट वॉल लगा रखा है सेफ्टी पर्पज से। जी जी, कवर्ड है, कोई भी सेफ्टी पॉज नहीं आएगा आपको, आप बंद करके जाओ 4 दिन 6 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई एंट्रेंस नहीं है करके। सही, बहुत बढ़िया। ये आपने नेम प्लेट में ये बहुत बढ़िया लगाया कि रात में भी अगर कोई घर पे आता है तो नेम प्लेट यहाँ से लाइट होने से यहाँ से इस पे रोशनी रहेगी तो नेम प्लेट पढ़ने में आएगी। ये आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मकान बनाया सर ने और पूरा कवर्ड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज से। और कि हम यहाँ पे अंदर चल रहे हैं तो सर यहाँ पे पार्किंग एरिया के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते। ये पार्किंग एरिया है, पूरा मार्बल लगा हुआ है पार्किंग एरिया में। जी जी, और नहीं इसमें साइज में यहाँ पे जैसे ब्रीजा गाड़ी इजिली मुझे लगता है पार्क, सब गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो आपने रेट बताया ना इस रेट पे जल्दी मकान मिल पाना और मेट्रो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो बढ़िया मुश्किल चीज है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी सर यहाँ पे टैप्स का प्रोविजन अभी करा के देंगे। और देखिए कितना खूबसूरत मकान है, कितना बढ़िया फ्रंट लुक बनाया है सर ने, काफी खूबसूरत मकान है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और ये भी आप देख सकते हैं पूरा सेफ्टी गार्ड से, आयरन सेफ्टी गार्ड से सर ने इसको पूरा सिक्योर्ड किया है ताकि अगर आप मकान में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी फील ना हो, और हर तरफ से सर ने इसको कवर करा रखा है। अब मुझे और भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने मकान की खूबसूरती और जो है इसमें किए हुए काम। ये हमने एक बेडरूम बना रखा है जिसमें मैंने जाली खिड़कियां पहले से प्रोवाइड कर रखी है, आपको एसी के लिए विंडो पॉइंट अलग से बना रखा है। अगर आप इसमें विंडो एसी लगाना चाहें तो विंडो एसी भी लग जाएगा, स्प्लिट एसी लगाना चाहे स्प्लिट एसी भी लग जाएगा। बहुत बढ़िया, एसी का पॉइंट डाइनिंग रूम में भी दे रखा है, प्रॉपर एसी पॉइंट दे रखा है। सर ये किस कंपनी के स्विचेस हैं? ये एलएनटी के इंटाइज स्विच है। ओके, एलएनटी कंपनी के इंटाइज स्विच है, काफी अच्छे स्विचेस है, चौड़े में है, बोर्ड दे रखा है, एलईडी का पॉइंट दे रखा है, वायरिंग कर रखी है एलईडी। अच्छा, ये सब डीटीएच वायरिंग सब इंटरनल है, इनबिल्ट वायरिंग है दोनों कमरों के साथ में, डाइनिंग रूम में भी मैंने आपको एलईडी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऊपर फॉल सीलिंग पीओपी की हुई है पूरी कंप्लीट। जी जी, एलईडी लाइटें लगी हुई है सब में, पूरी लाइटिंग और स्विचेस का पूरा काम कंप्लीट है। इसके साथ में मैंने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है जिसमें 4 लाइट का टैप्स लगी हुई है, सिर्फ टैप्स और सैनिटरी का काम एज पर चॉइस रखा हुआ है कि जो पार्टी अगर इसको पसंद करे तो हम उसकी पसंद की सैनिटरी टैप्स लगवा देंगे। ठीक है सर, स्पेस तो आपने बहुत बढ़िया दी है, इसमें काफी बड़ा स्पेस और टाइल्स की ऊंचाई भी आपने ऊपर पूरा टाइल्स लगी हुई है, फुल हाइट कवर की है, इसमें भी लाइटें डाल रखी है।
ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत लुक आ रहा है और काफी स्पेशियस वॉशरूम सर ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आप देखिए कितना खूबसूरत वॉशरूम है और साथ ही साथ बाहर की तरफ सर ने देखिए पूरा ग्रेनाइट से इसको कवर किया हुआ है। चौकटे ग्रेनाइट पत्थर की लगी हुई है, पूरी जिंदगी कभी खराब न होने वाली। हाँ सर, इस पर पानी पड़ेगा तो कभी कभी इन फ्यूचर कभी खराब ही नहीं खराब होगी जिंदगी भर। ये आपने सर बहुत बढ़िया, मतलब एकदम आपने सही बता रहा हूँ, आपने टिकाऊ काम किया है, काम चलाऊ नहीं है। दो पार्टीशन दे रखा है जी जी। अगर इसको कोई पर्सन डायरेक्टली एक एज अ रूम यूज करना चाहे जी जी, जिसको ड्राइंग रूम की नीड नहीं है तो वो एज अ रूम यूज कर सकता है, फिर इसको 3 BHK की तरह वो इस मकान को यूज कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो सर ये भी हो सकता है कि ये आगे का एक रूम इसको रेंट पे भी दिया जा सकता है और एक रूम अटैच वॉशरूम को रेंट पे भी दे देते हैं तो 3,500-4,000 रुपए रेंट इजीली मिल जाएगा। यहाँ स्पेस आप देख सकते हैं काफी बढ़िया स्पेस है, फोर सीलिंग देखिए कितनी खूबसूरत है और एक नंबर का मकान। यहाँ पे आपको पूरे मकान में कैमरे में कहीं पे भी 1% की भी सीलन नहीं दिखेगी। बहुत मजबूत सर ने मकान बनाया और काफी खूबसूरत मकान बनाया, ऐसा मकान जल्दी मिलता नहीं है। ये मैं पहले सभी दर्शकों को स्पेस दिखा दूं, काफी बढ़िया स्पेस है 20x50 का। सर इस मकान का साइज क्या है? 1150 वाला एरिया में दिखा रहा हूँ आपको, 20x50 का इसका। अच्छा 23 फीट फ्रंट है और 50 फीट की गहरा है, बहुत बढ़िया साइज है ये सर। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग आ गया। ये देखिए स्पेस देखिए कितनी बढ़िया स्पेस है, फोर सीलिंग देखिए कितनी खूबसूरत फोर सीलिंग है, डिसेंट लुक लग रहा है। ड्राइंग डाइनिंग के हिसाब से मैंने भी यहाँ एक बार स्पेशल पॉइंट डाल रखा है, जो वॉल हमारा स्पेशल लगेगा जी जी, इसका फ्लोर से कोई लेना देना नहीं, इसका पानी अंदर बाथरूम से होकर आउट हो जाएगा। अच्छा इसमें फ्लोरिंग में इसका निकासी नहीं है? निकासी नहीं है कोई, बहुत बढ़िया रखा है। यहाँ पे वॉल हमारा स्पेशल लगेगा, जो भी डाइनिंग यहाँ कर रहा है उसको हाथ धोने के लिए पर्सनल नहीं होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बाथरूम में नहीं जाना पड़े, किचन के सिंक पे नहीं जाना पड़े। सही सही, बहुत बढ़िया। सामने आपका ओपन किचन, चिकन किचन रहा आपका, इसमें गॉर्मे किचन बनेगा, चिमनी लगेगी। अच्छा सर इसमें पूरा मॉड्यूलर का वर्क आप करा के देंगे? हाँ ये पूरा मॉड्यूलर, ये पूरा पत्थर पार्टीशन में बना हुआ है, टाइल्स नीचे लगी हुई है। अच्छा लाइफ के लिए पूरा मॉड्यूलर, ये आप देख सकते हैं पूरा मार्बल से सर ने पार्टीशन किया, डबल मार्बल से, और पीछे की तरफ टाइल्स इसलिए लगाई है क्योंकि अगर इसमें पानी भी पड़े तो इसमें लकड़ी सड़ेगी नहीं और साथ ही साथ दूसरी बात दीमक यहाँ पे नहीं कभी लगेगा, कोई काम नहीं, कोई कीड़े नहीं पकड़े पैदा होंगे, जब चाहेंगे तब आप इसको वॉश कर सकते हैं, बास्केट निकालिए और पूरा किचन आप वॉश कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर, ये जल्दी हर मकान में देखने को नहीं मिलता है और मैं तो कहता हूँ कि 60-70 लाख वाले मकानों में भी ये नहीं मिलता है। आपका तो इतना कम रेट है कि क्या बताऊँ, तारीफ कितनी भी करूँ कम है। डोरबेल और वाटरफ्लो अलार्म की गैस लगी हुई है, चिमनी के लिए पॉइंट दिया हुआ है, मेरे पहले से जी जी रखे हैं सारे, क्योंकि आपको तोड़ फोड़ न करानी पड़े, जब भी चिमनी लगेगी जब ऑर्डर बनेगा पाइप वहां से लग जाएगा, वेंटिलेशन वहां से चला जाएगा बाहर। अब देखिए ये हमने आपको आरओ पॉइंट और डीजल पॉइंट दोनों किचन में दे रखे हैं, दोनों के पावर स्विचेस वहां पे हैं और सॉकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, आप आरओ भी लगा सकते हैं यहाँ पे और गीजर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सचर लगेगा आपका गीजर का, सिंक मिक्सचर जिसको बोलते हैं, जिसमें ठंडा गर्म पानी दोनों मिला करके आप यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, मोटर का पाइप मैंने किचन में ही दे रखा है और मोटर का अलार्म भी किचन में ही, ताकि किसी को बाहर जाके मोटर में चालू करनी पड़े और कहीं बाहर जाके बंद न करनी पड़े। यही अच्छा ये किचन के बगल से किचन में ही और होगी, यही आपको पता चल जाएगा टंकी भर गई, आप यहीं से बंद कर देंगे। अच्छा बहुत बढ़िया सर, जबकि अन्य मकानों में ये सब चीजें बाहर ही रहती है, ये मैंने पहले मकान में देखा है। और उसके लिए MCB स्विच लगा रखा है ताकि कोई भी आदमी इसको चालू करे तो उसको मालूम है कि किसी का खास बटन है, कॉमन बटन नहीं डाल रखा है, MCB डाल रखी है। ये फ्रिज के लिए पॉइंट दे रखा है, फ्रिज भी आपकी यहाँ खड़ी हो जाएगी, फ्रिज का पॉइंट। हाँ स्पेस तो सर पूरे मकान बहुत बढ़िया है सर। इसमें जो सैनिटरी की फिटिंग रहेंगी वो किस कंपनी की रहेगी? सोमानी की सब लगा के देंगे, टैप्स भी और सैनिटरी भी, सोमानी कंपनी का जो मॉडल पार्टी पसंद करेगी जी जी, पसंद से इसीलिए पहले नहीं लगाई गई है, जो मॉडल उनको पसंद आए सोमानी में हम वो सैनिटरी और टैप्स लगाते हैं। और सर जो किचन में मॉड्यूलर का काम होना है वो सारा बाहर का जितना भी बाकी मॉडल पे होगा, माइका पार्टी पसंद करेगी जो उनको चाहिए। अच्छा घर के जो होम मिनिस्टर होती है लेडीज, हाँ उनको क्या रिक्वायरमेंट है, कटलरी उनको किस जगह चाहिए, थाली वाली बास्केट किस जगह चाहिए, मल्टीपर्पज कितनी चाहिए, उस हिसाब से जगह बनी हुई है, साइजेस सब फिक्स है, जी साइज में लगेगी। बहुत तो ये कस्टमाइज के लिए छोड़ रखा है कि कस्टमाइज जो चाहती है पार्टी उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली किचन मॉडल बन जाए। बहुत बढ़िया सर, अब आइए मैं रूम में दिखाता हूँ आपको। सर ये चौखट कितने इंची है? ये सब 5 इंची चौखटे हैं, बाहर से बीडिंग लगा रखी है, बाहर से देखने में इसका लुक। हाँ सर सही कह रहे हैं, सही बढ़िया प्यारा लुक आ रहा है।
डिसेंट सा लुक आ रहा है। सर ये दरवाजे लगे हुए हैं, हैंडल लॉक लगे हुए हैं, पहले मेन दोनों डोर पे हैंडल लॉक के अलावा इंटरलॉक भी लगे हुए हैं। अच्छा ये लॉक सर किस कंपनी के? लिंक कंपनी के लगा रखे हैं लॉक। अच्छा तो इसमें तो होगा, हाँ लिखा होगा, लिंक क्या लिखा होगा? हाँ जी जी लिखे हैं, लिंक लॉक लगे हुए हैं। अब ये रूम का स्पेस देखिए कितना स्पेस है, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि कितना स्पेस है। ये जो दो बोर्ड लगे हुए हैं इन दोनों के बोर्ड के बीच की दूरी 7 फीट की है। अच्छा यानी आपका 6 फीट का पलंग इसके बीच में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों में मैंने सॉकेट डाल रखे हैं, दोनों तरफ से चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। जी बैठे बैठे आप अपने फोन चार्ज कर सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं कि मेरा चार्ज करो या मेरा चार्ज करो। बहुत बढ़िया सर, दोनों तरफ के लोग अपने अपने फोन चार्ज करें। बहुत बढ़िया सर। ये रहा लाइट का बटन, उस पे है ये लाइट आपकी बंद हो गई। जी जी फैन का पॉइंट यहाँ पे रखा है, यहाँ से पहले आपने बैटरी कर ली थी और आप भी कर ली। बहुत बढ़िया, फोर सीलिंग भी सर आपने बहुत बढ़िया कराई है, काफी खूबसूरत फोर सीलिंग है। और साथ ही साथ कमरे की स्पेस देखिए कितना बढ़िया स्पेस है। फोर को छोड़ने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस है कि आप अलग डाल करके काउंटर साइड के दोनों काउंटर्स रख सकते हैं दो तरफ से। बहुत बढ़िया स्पेसियस पूरा। मैं एक बार सर जरा सबको दिखा दूं, ये देखिए कितनी बढ़िया स्पेस है, पूरा फुल फोर सीलिंग है मकान में, काफी मजबूत लोहा लाट मकान में सर ने बनाया, टिकाऊ काम किया है, काम चलाऊ नहीं। विंडो दे रखी है, अगर आप कूलर वाश लगाना चाहिए या वेंटिलेशन चाहिए खिड़की खोल दीजिए, पूरा वेंटिलेशन है। जी 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 सही सही राइट सर, इसमें कूलर वो जो लोहा लोहे वाला कूलर होता है वो भी इवेंट आ जाएगा बड़ा मतलब। अच्छा ये एसी बोर्ड से आपका स्क्रीन लग जाएगा आपका। जी 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 और मशीन ऊपर चल जाएगी। अच्छा यहाँ पे भी ये सब डीटीएच वायर तीनों कमरों में। अच्छा तीनों और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। अच्छा ये सर स्टोर रूम कम पूजा रूम बना सकते हैं, ये ऊपर भी दे रखी है, उसको कवर करना चाहिए कवर भी हो सकता है। अच्छा यहाँ होल्डर भी दिया है, स्विच बोर्ड भी दिया है कि यहाँ पे भी अगर कोई काम करना चाहे तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। पूरा मार्बल की यहाँ पे फ्लोरिंग दी है, ये ऊपर से जाल लगा हुआ है, वेंटिलेशन है, प्लस ऊपर मॉस्किटो नेट भी लगी हुई है, मच्छर नहीं आएंगे ऊपर से नीचे। जी रोशनी आपको पर्याप्त मिलेगी, वेंटिलेशन पूरा मिलेगा। ये वॉशिंग पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे तीनों पॉइंट दे रखे हैं हमने, ताजे पानी का, टंकी के पानी का और गीजर का भी। इस बाथरूम के साथ जो गीजर लगेगा वो उसका पॉइंट बाहर है। अच्छा बहुत बढ़िया। आप वॉशिंग मशीन लगाए गर्म पानी जब होते यही आपको गर्म पानी मिलेगा। ये दोनों चैम्बर है सीवरेज के और ड्रेन वाटर के। जी वॉशिंग पॉइंट का सॉकेट स्विच दे रखा। हाँ सर दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये दूसरे रूम की विंडो है, सर विंडो भी आपने बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई है, वेंटिलेशन और रोशनी के लिए तो देना ही पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया मकान है, फुल वेंटिलेटेड है मकान, काफी खूबसूरत मकान। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, यहीं से ही सबसे बैक से ही फ्रंट गेट आगे तक दिख रहा है। तो हम चल रहे हैं इसके सेकंड बेडरूम में, उससे और ज्यादा स्पेसेस में विड्थ में, जब तो नहीं ये कितनी बार दिखाई थी। जी जी 7 फीट की डिस्टेंस है दोनों बोर्ड के बीच में, वही चिंता आपको मैंने बार दिखाया, बार दो का इससे ज्यादा है क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। जी जी नीचे भी आपकी स्टोरेज है, ऊपर भी स्टोरेज है, फॉल सीलिंग पाइप लाइट पड़ी हुई है, लाइटें वगैरह फॉल सीलिंग। बहुत बढ़िया सर, काफी खूबसूरत फोर सीलिंग सर, काफी खूबसूरत है। और ये वार्डरोब का स्पेस मुझे लग रहा है काफी चौड़ा स्पेस है सर, ये कम से कम 7 फीट की हाइट है और 7 फीट चौड़ाई है। वही कह रहा हूँ सर, 7 फीट की चौड़ाई, काफी स्पेशियस वार्डरोब है और रूम का भी साइज काफी बढ़िया साइज है। अच्छा यहाँ पे भी सर डीटीएच की ये वायरिंग इंटरनल दे रखी है, सारा कुछ कंप्लीट कर रखा है इसने। आपको स्विचेस वायरिंग में और पाइप लाइन में पानी के काम में कुछ नहीं कराना है, बहुत कोई भी नीड आपकी ऐसी नहीं है जो मैंने फुलफिल न कर रखी हो इस मकान में। बोर्ड से लेकर के स्विचेस जहां जहां पॉइंट आपकी नीड है वहां वहां पॉइंट पहले से पड़े हुए हैं सर। बहुत बढ़िया सर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न कहीं लाइट लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, न कहीं पानी के किसी काम के लिए आपको कोई हाथ पैर डालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, सब जगह पॉइंट्स दे रखे हैं।
ये इस बाथरूम के साथ भी रखा है, वेस्टर्न लगेगा इस पे। जी जी, ये थोड़ा डायमंड पैटर्न का बना रखा है, इस पे प्लास्टिक पैटर्न लग जाएगा। ये आपका बेड एरिया हो गया और ये ड्राइंग का काउंटर बेसिन बना रखा है, जैसा होटल्स में आप लोग देखते हैं। इसको भी कवर कराना चाहे तो नीचे बोर्डर पर कवर हो जाएगा। ये भी कैबिनेट बन जाएगी आपकी, यूटिलाइजेशन है इस पे कम हो जाएगी इस पे, यहाँ पे कम हो जाएगी। बोर्ड है और ये आपका वॉशिंग। बहुत बढ़िया सर, इसमें भी टाइल्स आपने पूरा ऊपर तक लगाया है, फुल लाइट सर। इसीलिए आपके मकानों मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, आपके मकान का वीडियो बनाता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि मजबूत मकान और रेट बहुत रीजनेबल आपके। रेट्स की बात है, जो आदमी पैसा खर्च करा उसको सारी नीड्स नहीं मिलेगा पूरी, तो उसको मकान में क्या आ जाएगा। सही सही सही, मतलब जो ले वो जिंदगी भर याद रखे, जो पैसा वो खर्चा करा है उतने का वर्थ उसको मिलना चाहिए। सही सही, बहुत बढ़िया। लेकिन ये हर आदमी सर इतना नहीं सोचता है। नहीं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा है तो उसके साथ कोई ऐसा काम न किया जाए कि वो हमको बाद में बदबू आ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी बाथरूम के बाहर आपने सर ग्रेनाइट से इसका भी, मतलब पूरे हर जगह आपने ग्रेनाइट लगाया है। बाथरूम में हम लोग ग्रेनाइट लगाते हैं, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात, सारी चीजों को ध्यान में रख के मकान बनाया है। विंडो भी देखिए सर कितनी वाइड है। यहाँ पे भी सर एसी की, अच्छा ऊपर तक अगर जैसे स्प्लिट एसी भी लगाते हैं तो लग जाएगा, स्प्लिट एसी लगेगा, कनेक्शन मास्टर टूट जाएगा, वो फोल्डर हट जाएगा, मास्टर 4 mm वायर लगी है सारे एसी के पॉइंट्स पे, 4 mm वायर है। अच्छा बहुत बढ़िया, अलग सर्किट आया हुआ है, कोई भी नहीं कॉम्बिनेशन नहीं। सर एक मिनट रुकिएगा जरा, ये देखिए स्पेस मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं। देखिए मकान में कहीं से भी 1% सीलन नहीं लग रही होगी और पूरा फुल वेंटिलेटेड मकान। अगर आप इसको अब, चूंकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा, शाम का 5 बज रहा है, नहीं तो मैं अभी आपको पूरे घर की लाइट बंद करके फिर आपको दिखाता है इसका वीडियो दिखाता कि कितना बढ़िया यहाँ पे मकान में वेंटिलेशन है। पूरा स्पेशियस मकान है, बहुत लोहा लाट मकान है। इसकी दो खासियत और बता दे रहा हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा रखी है। जी सर, मेन डोर के साथ हैंडल लॉक के साथ मैंने इंटरलॉक भी लगा रखे हैं, दोनों जो मेन डोर है। जी जी जी, ये प्लस पाइप पे हो गया आपके लिए। सर मैं दिखा दूँ, ये देखिए हैंडल लॉक है एज वेल एज, ये देखिए हैंडल लॉक ये हो गया लिंक का, और ये देखिए इंटरलॉक भी सर ने यहाँ पे लगा रखा है। सही लगा के रखा है कि आपकी डबल लॉकिंग हो जाए। डबल लॉकिंग बहुत बढ़िया सर। मोस्टली बिल्डर्स क्या करते हैं, मकान में जो वायरिंग होती है तो अर्थिंग की वायरिंग तो करा देते हैं पर अर्थिंग नहीं कराते। जी, कोई भी बिल्डर अर्थिंग नहीं कराता है। एज वेल पर्सनल कोई मकान बनाता है तो वो भी अर्थिंग नहीं कराता है। मैंने इन दोनों मकानों में अर्थिंग करा रखी है, प्रॉपर अर्थिंग बोर्ड करी हुई है। अच्छा, ये अर्थिंग के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, आप जब चाहे किसी से भी चेक करा सकते हैं क्रॉस। जी जी जी, वो तो बोर्ड पे ही चेक हो जाएगा, मीटर के साथ आप अर्थिंग को जोड़ेंगे आपका बदल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा गेट में भी सर लोहा लाट गेट बना है, बहुत मजबूत, भारी कितना है। ये यहाँ पे इंटरलॉक भी सर ने यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक का लगा हुआ है। ये देखिए लिंक कंपनी, तो काफी बढ़िया सर आपने मकान बनाया। सर एक बार छत पे भी चले चलते फिर मेरे दर्शकों को इसका रेट बता दीजिए, क्योंकि रेट तो आपका बहुत बढ़िया रेट है, बहुत रीजनेबल प्राइस मांग रहे हैं। जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट पड़ा हुआ है, पूरी सीढ़ी और स्टील का भी काफी बढ़िया वर्क करा है। पूरी सीढ़ियां है, पूरी सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की लगी हुई है सारी। ये विंडो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही साथ ये देखिए कवर्ड मोटी रखा है कि कभी सफोकेशन होता है मोटी में गर्मियों में, आप खोल दीजिए तो हवा चलती रहेगी, भभक नहीं बनेगी कभी। बहुत बढ़िया सर, सही सही। और ये भी एक्स्ट्रा स्पेस है मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो स्टोरेज का बोलते हैं कभी घर पे कोई मान लीजिए लेबर है या ड्राइवर है। जी जी, सही सही। सामने इन्वर्टर का पॉइंट दे रखा है, मोबाइल चार्ज कर सकता है। इन्वर्टर का पॉइंट, अच्छा इन्वर्टर का पॉइंट है यहाँ पे, इन्वर्टर लगे। अच्छा अच्छा, पूरे मकान की इन्वर्टर वायरिंग यहाँ। अच्छा इन्वर्टर वायरिंग अंदर है। हाँ, पूरी इन्वर्टर वायरिंग हर बोर्ड पे है, बहुत कंप्लीट इन्वर्टर वायरिंग। अब आइए सर से दिखा देता हूँ। छत पे केवल मल्टी कवर की जाती है, देखिए छत पे भी हमने एक लाइट लगा रखी है। जी, इसको चालू करके दिखा देता हूँ। हाँ सर, छत में तो कोई लाइट नहीं देता है, लाइट ऐसी नहीं देता, होल्डर लगा के बल्ब तो हम दे सकते हैं आपको। जी जी जी, 600 रुपए 800 रुपए की लाइट कोई नहीं लगा के देगा, हमने आपको ऐसी लाइट लगा दी कि पूरी छत पे रोशनी होगी। अभी अंधेरा हो, ये 30 वाट की हैलोजन लाइट है। हाँ, ऊपर से मुझे लग रहा है कवर भी है। ये एलईडी लाइट है ओपल की, 30 वाट की। ओके सर, इधर ये आप देख सकते हैं कवर्ड बालकनी आगे की तरफ है, यहाँ पे आप चेयर डाल के भी बैठ सकते हैं आराम से। बरसात के मौसम में आपको बहुत आनंद आएगा यहाँ बैठने में। ये देखिए आप पूरी कवर्ड,
बालकनी है, सर आसपास तो काफी मकान बने हुए हैं, हर तरफ मकान है। अच्छा जितने भी सर डीटीएच उनका, उनकी वायरिंग सारी इस पे आई है। हाँ एग्जीक्यूशन पॉइंट एक होता है ना, बैठे यहाँ से आपकी छत पे चली जाएगी। अच्छा अच्छा यहीं से वो छतरी लग जाएगी यहाँ से। हाँ। अच्छा ओटीएस भी आपने सर पूरा अच्छे से कवर करा के रखा है। ये शीट टूट गया है, आधी दुकान में इसको सही कराना है। ले अरे सर तब भी इतना आपने ये जो दीवार खड़ी की है ना, तो जल्दी कहीं नहीं होता है, एक एक फिट की बस रॉड दे देते हैं उसी पर डाल देते हैं शीट। प्रॉपर किया हुआ है सारा, देखिए मच्छर जाली तीनों तरफ से लगा रखी है, वेंटिलेशन होता रहे, मच्छर आपको परेशान ना करेंगे। सही, बहुत बढ़िया सर, ये आप देख सकते हैं काफी बढ़िया मजबूत मकान है और पूरी घनी आबादी, देखिए दूर दूर तक का आपको मकान दिख रहे होंगे, मैं स्क्रीन जूम करके भी दिखा दूं। और मेन रोड से हार्डली 300 मीटर का डिस्टेंस है जहाँ से आपको 24 आवर्स कन्वेंस मिलेगा मेट्रो स्टेशन के लिए, और कानपुर रोड यहाँ से हार्डली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। काफ़ी बढ़िया सर आपने मकान बनाया, सो थैंक यू आप सर। अच्छा इसके डिमांड, सॉरी डिमांड बता देते सर, कंप्लीट अगर मॉडल किचन पूरा कंप्लीट सब कुछ करके देते हैं हमें, इस पे वॉलपेपर का भी काम होगा जी, जी अकॉर्डिंगली कस्टमाइज होगा, वो पसंद करेंगे वॉलपेपर भी जी, जी और पूरा मॉडल किचन मिला के देंगे। 46 की रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा इसकी 1150 प्लॉट एरिया वाले, 1150 प्लॉट एरिया वाले की 46, और जो 1000 स्क्वायर फीट वाला प्लॉट ये बगल वाला आप देख रहे हैं सेम पैटर्न पे बना हुआ है, बिल्कुल जितना काम इसमें किया हुआ है उतना ही काम इसमें भी किया हुआ है जी जी। ये आपका 42 का है कंप्लीट। बहुत बढ़िया रेट सर, और जबकि आपको बताऊं मैं तो इतने वीडियो बनाता रहता हूं तो मैंने देखा 60 लाख 70 लाख 80 लाख, लेकिन इतना मजबूत काम कहीं भी नहीं देखा है। और मैंने तो अधिकतर देखा है कि जैसे 60-70 लाख वाले मकानों में ये जो बाउंड्री वॉल करके आपने ओटीएस कवर किया है, इसी से ये समझा जा सकता है कि आपने कितना मजबूत काम किया है। तो आप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जो भी दर्शक इस मकान को देखना चाहें या लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दिया रहेगा और सारी जानकारी दी रहेगी, तो आप इनको कॉल कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे।